हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिरोत कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित कंसोल पेपर हल कर रहे थे, यह 2018 का सेट नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को, प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र में टोटल कुछ क्वेश्चन है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सो दोस्तों, यहाँ पे रहा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कुछ लिखा गया है, कहा गया है कि संख्याएं 3, 5, 7 यक्स प्लस 2, 15, 17, 21 आरोही क्रम में लिखी हैं। इनकी मध्यिका 12 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका का सूत्र यहाँ पे जब होता है, ये होता है कि अगर ये सम है तो चलिए लिख के दिखाते हैं। तो दोस्तों, सूत्र ये होता है कि मध्यिका n बाय 2 वा पद प्लस n बाय 2 प्लस 1 वा पद बटे 2। जब n यानी ये सम हो, यानी कि जो संख्याएं पदों की संख्याएं क्या है, अगर सम हो, जैसे कि यहाँ पे अपने पास और जो भी दिया गया है उसको बाद में देख लेते हैं। मध्यिका का n प्लस 1 बाय 2 वह पद ये होता है जब n यानी कि पदों की संख्या भी सम हो। जैसे कि हमारे पास प्रश्न था, प्रश्न में है सवाल 3, 5, 7 यक्स प्लस 2, 15, 17 और 21। अब देखिए, और इसके वो मध्यिका दी गई है, यक्स का और यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इनके पदों की संख्या गिने ना, इन्हीं दोनों को मान लें कि यक्स प्लस बराबर 12। चाहे तो सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ लोग हैं, तो बीच में दो लोग, यानी ये वाला सूत्र लगेगा। सम है तो यानी आठ लोग हैं, तो 8/2 यानी चौथा पद, 1, 2, 3 चौथा पद और उसके बाद वाला छठवा पांचवा पद, इन्हीं दोनों को योग फल करके जोड़ करके 2 से भाग करना होगा, तब अपना ये मध्यिका मिल जाएगी 12। सवाल कुल मिला के ऐसे ही देते हैं हर बार हर जगह पे, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिलहाल अगर आपको सूत्र समझना था तो ये है सूत्र का तरीका, लिखने का तरीका, और ये होता है हल करने का तरीका। अगर n बराबर यहाँ पे गिनते हैं 8 आ गया, तो n बाय 2 यानी चौथा पद, चौथा पद कौन है, n बाय 2 प्लस 1 वा यानी चौथा प्लस 1 बराबर पांचवा पद यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 2 से उधर कड़ा कराएंगे, प्लस 2 है बराबर 24 हो जाएगा, 24 2 ले जाकर घटाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 2 और हो जाएगा 22, और 2x बराबर 22 से भाग देंगे तो 11 मिल जाएगी, x बराबर अपना आ गया 11, x का मान हो गया 12, ये हो गया इसका हल। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक खा था, का तो गायब हो चुका है और यहाँ पे गा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इसका मान पूछ रहे हैं, तो इसका मान 1 होगा। चलिए कैसे होगा देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। वहाँ पे जो लिखा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको मालूम होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा को। अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए, वो मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 अपॉन sec बराबर भी पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं पे cos स्क्वायर थीटा को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए वहाँ पे आ गया 1। ये देखने पर ही समझ में आता है, क्योंकि ये आसान प्रश्न होते हैं और आसान तरीके से लगते भी हैं। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरे का क्या है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है, यानी 9वीं संख्या को नहीं पढ़ा गया है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय, 9वीं संख्या को अज्ञात है। यदि सभी संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो आप अपनी संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे ये सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया जाएगा, तो या फिर ना बताएं, छोड़िए बता देते हैं एक बार। देखिए, जनरल आइडिया निकल लेते हैं, बहुत आसान है, रफ आइडिया में। देखिए, 8 संख्या का औसत कितना है, संख्या का औसत दिया गया है 12, तो इनका जो योगफल हो जाएगा, योग होता है औसत गुणते पदों की संख्या, यानी 12 गुणते 8, 12 8 2 16, 8 1 8 9, 12 98, ये हो गया इनका
आठ संख्याओं का योगफल। जो नौवी संख्या है, नौवी संख्या इसको मान लेते हैं अपना यक्स, तो जब इनको जोड़ देंगे तो इनके सभी, यदि सभी नौ संख्याओं का समांतर माध्य 13 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये योगफल है 96, उसमें अब नौवीं संख्या हम जोड़ देते हैं और उसके बाद हम उसको 13 से भाग करेंगे। 13 से क्यों भाग करेंगे, नहीं सॉरी 9 से भाग करेंगे। 9 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 8 संख्याएं थी, 8 एक 9 हो गई और इनका समांतर माध्य आ गया 13। 13 की दर गुणा कर देंगे 9 का, यहाँ पे 96 है प्लस यक्स है और 13 9 3 27, ऐसे लगे 2 9 1 9 9 2 11 107 13 9 117 और यहाँ पे इसको ले जाके घटा देंगे, x बराबर 117 माइनस 96 घटा देंगे, एक बचेगा और 11 में से 9 गया 2 बच जाएगा, ये हो गया हमारा उत्तर। वैसे इस सिलेबस से निकल चुका है क्योंकि ऐसे प्रश्न अब नहीं देते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए जो आपको विशेष तरीका दिया गया है वही प्रकार की सवालें आएंगी। ऐसे प्रकार के सवाल हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में दे दे, लेकिन मुश्किल है मुझे नहीं लगता है। ख नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखा इतना 70 130 दिया गया है, कोण आर टी एस का मान निकालना है, आर टी एस इस कोण का मान निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 130 दिया गया है तो ये इधर वाला जो बन जाएगा कितना बनेगा, कितना, अच्छा यहाँ पे चक्र चतुर्भुज बना है, चक्र चतुर्भुज आपको मालूम होना चाहिए सर, या फिर इसको ना निकालने के बजाय इन दोनों का योगफल, ये देखिए पी एस आर क्यू जो है, ये पी क्यू आर एस जो है एक चक्र चतुर्भुज है, ये 130 है तो ये हो जाएगा इसके सम्मुख कोण है, इन दोनों का योगफल 180 होता था, यहाँ पे बचेगा 50। अब ये त्रिभुज में आ जाएंगे तो 50 70 और ये, चलिए इसको हल करके दिखाता हूँ। ओके तो यहाँ पे हम चित्र बना ही लेते हैं, ऐसा चित्र है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे T है और यहाँ पे दिया गया 130 अंश और यहाँ पे दिया गया 70 अंश। हम क्या करेंगे, इस कोण का पहले मान निकालेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर प्लस कोण पी बराबर 180 अंश, कोण पी बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर मिल गया 50 अंश, कोण पी बराबर मिल गया हमको 50 अंश, यानी यहाँ वाला कितना मिल गया 50 अंश। अब ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अब लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू टी में क्या मिल जाएगा, इसका मान निकालना है, कोण क्या लिखा था आर टी एस बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस ये 70 और 50 को जोड़ करके घटा देंगे, 70 अंश प्लस 50 अंश, 180 अंश माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 120 अंश हो जाएगा, जो मिल जाएगा 60 अंश आंसर हो जाएगा। वैसे इस प्रकार के प्रश्न भी आपको नहीं आने ही वाले हैं शायद, क्योंकि ये पहले था, अभी बहुत कम हो चुका है, कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न ही आने वाले हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार आता है, तीसरा कक्का है, इसको चलिए अच्छे से हल करके दिखाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमको प्रश्न दिखाई दे रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो बराबर जीरो के मूल अल्फा और बीटा हो तो समीकरण, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2α + 1 2β + 1 होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो दोस्तों यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है समीकरण है, समीकरण के मूल ये हैं, अगर हम निकालना चाहें अल्फा प्लस बीटा बराबर तो मिलता है माइनस बी अपॉन ए, अगर यहाँ से बी को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस एक है, काश मैंने लिख लिया होता, ठीक है इसके मूल हो गए और यहाँ पे हमको इसको लिखते हैं गुणांक, ए बराबर एक हो जाएगा इसके साथ, अब बी बराबर माइनस एक हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, ये
यहाँ पे एक है तो वही एक लिखा है, यहाँ पे माइनस एक है ये माइनस एक लिखा है, यहाँ पे माइनस दो है माइनस दो लिखा। अब यही सब चीज़ें यहाँ पे रखी जाएंगी, माइनस रखा है माइनस एक बटे एक, यहाँ पे माइनस एक बटे एक बराबर माइनस माइनस प्लस बटे एक, कुल मिला के एक आ गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो जहाँ पर सी है वहाँ पर माइनस टू है, ए जो है एक है, यहाँ पर मिलेगा माइनस टू। अब इतना सब मिल जाने के बाद हम यहाँ पे निकालेंगे, वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल क्या हैं, अन्य समीकरण के मूल, जो अन्य समीकरण है उसके मूल दिए गए हैं, वो है टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन, ये इसके मूल दिए गए हैं। अब यहाँ पे मूलों का योग निकाल लेंगे क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत होगी। मूलों का योग हो जाएगा टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, टू अल्फा टू बीटा में टू कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और वन वन हो जाएगा टू, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर जो एक था उसको हम रख देते हैं, प्लस टू इजगल टू हो जाएगा टू प्लस टू इजगल टू फोर, बस यही हमको निकालना था। और मूलों का गुणनफल, गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा टू अल्फा प्लस वन गुणते टू अल्फा टू बीटा प्लस वन, इनका गुणा कराते हैं, बस यही हमारा काम है। इसका इसका गुणा कराएंगे फोर अल्फा बीटा आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे टू अल्फा आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे टू बीटा आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे एक आ जाएगा। यहाँ से फोर है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, इसको रखे रहते हैं, यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, प्लस है तो अल्फा प्लस बीटा है प्लस वन है। और यहाँ पे अल्फा बीटा का मान रख देते हैं जो कि मिला था माइनस दो यहाँ पे, तो वही रख देते हैं यहाँ पे माइनस दो, और प्लस दो इसके जगह पे मिला था एक प्लस एक, चार दो नहीं आठ, यहाँ पे माइनस आठ प्लस दो प्लस एक, यहाँ पे माइनस आठ, यहाँ पे प्लस तीन, घटाने पे मिल जाएगा माइनस पाँच। ये हो गया इनके मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे लिखा गया समीकरण, समीकरण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है तरीका समीकरण ज्ञात करने का। तो हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल आया था चार, वहां पर चार रख देते हैं एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल आया था माइनस पाँच, वहाँ पे माइनस पाँच रख देते हैं, और हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस पाँच, यही अभीष्ट समीकरण है। इसके बाद तो हमको जीरो भी लगाना पड़ेगा, समीकरण है। तो ये हो गया हमारा तरीका निकालने का। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल चुके हैं, यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी ऊंचाई दी गई है, बेलन का आयतन ज्ञात करने को कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 63 पाई सेंटीमीटर² था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर² है। अगर आप यहाँ पे बेलन को समझना चाहें तो बेलन ऐसा होता है, और इसके सूत्र को याद करने का बेहतरीन सा तरीका हम आपको बता देते हैं। जो भी आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई के बराबर होता है। आप यहाँ पे देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार होता है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई जो होता है एच, बस इसी का दुगुणा होता है, सिंपल सी बात है। आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच, यही तो बनता है। तो यहाँ पे जो बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन ये होता है आधार का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। बहुत ही सिंपल सा तरीका, आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल है 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणते कर देंगे 10 सेंटीमीटर से गुणा, हो जाएगा 630 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल। और अगर हम यहाँ पे पाई का मान भी रख देते हैं 63, यहाँ पे गुणते 22/7 कर देते हैं, चूंकि 7 से कट जाएगा, 7 9 63 90 मिलेगा, तो गुणा कर देते हैं 9 × 18 9 × 18 = 19, रखिए 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब आंसर मिल गया। जब पाई का मान हम रख सकते हैं, काट सकते हैं, तो पाई का मान रख देंगे, नहीं काट सकते हैं तो छोड़ देंगे, पाई के रूप में ही रहने देंगे। फिलहाल तो यही हो गया उत्तर। बस अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, क्योंकि तीसरे में जितने भी प्रश्न थे केवल 2 प्रश्न वो खत्म हो चुके हैं, चौथे प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी लंबवृत्तीय शंक्वाकार स्तंभ के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, आयतन 1232 मीटर क्यूब है, उसको बनाने में लगे आवश्यक किरमिच का क्षेत्रफल। किरमिच मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा मतलब आप इसका वक्र पृष्ठ ले सकते हैं, बस यही बात है। लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू है, तो चलिए बनाते हैं इसको। सो दोस्तों यहाँ पे हमको दिया गया था आधार का क्षेत्रफल, हमने लिख लिया, आयतन दिया गया था लिख लिया। अब अगर इसका आयतन का हम जानना चाहें तो ये अपना जो शंकु बनाए थे ना, बेलन बनाए थे, इसी का ऐसे ऐसे मिला दीजिए, बस ये ऊपर वाला ढक्कन हटा दीजिए, क्या बच जाएगा, शंकु बच जाएगा। ये इसका 1/3 होता है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर एच पड़ा था ना, वही पाई आर स्क्वायर एच 1/3, ये आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई 1/3, एक ही गिनती। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr² h। तो यहाँ पे कर देंगे आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे रख दिया 1 2 3 2 = 1 3 है, आधार का क्षेत्रफल 1 5 4 था, रख दिया और गुणते h का मान निकाल लिया, 3 से दूर गुणा करेंगे, अच्छा यहाँ पे कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसको नीचे लाएंगे, इसको ऊपर पहुँचाएंगे, h बराबर हो जाएगा 12/32, यहाँ पे 3 तो ऊपर गुणा करेगा, 54 नीचे आएगा, 154 नीचे आ जाएगा, इससे वो कटेगा। काटते हैं, चलिए काटते हैं, कैसे कटता है, 2 से काटें 2 × 7 = 14 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 और फिर कैसे काटें, 7 से काटें 7 × 7 = 7 7 9 = 63 7 8 = 56 7 8 = 56 बचेगा कितना, 6 4 10 1 11 यानी 5 7 8 = 56 फिर 7 8 = 56 बचेगा, 11 से काटेंगे तो 11 8 8 8 बार जाएगा 8 3 24 एच बराबर आ जाएगा 24 मीटर। ये हो गया। अब देखिए ये जो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या आधार का क्षेत्रफल 1 5 4 है, ये 22/7 होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, अब 22 से ये कटेगा, 7 से उधर गुणा करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 5 4 × 7/22 11 × 2 = 22 11 × 1 = 11 2 से काटेंगे 7 आएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 = 49 हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे किरचाफ जो किरमिच लगना है, किरमिच किरमिच का क्षेत्रफल जो होगा वो होता पाई आर यल, लेकिन यल का मान तो निकाले नहीं अभी, चलिए यल का मान निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाते हैं यल बराबर √h² + r² एच कितना है, अपना यही मिला था अभी 24 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 7 स्क्वायर, ये 24 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 से लगे 1 4 × 8 4 × 8 8 × 16 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हाँ से लगे 1। अब 2 का वर्क करेंगे 2 × 2 = 4 1 5। बहुत सिंपल सा तरीका है वर्क करने का, बैक करके फिर से देख लेना, 7 7
49 जोड़ दो भैया, 9 9 6 15 हाँ से लगे, 1 7 4 11 1 12 हाँ से लगे, 1 और ये हो गया 6 5 1 6, ये होता है 25 का वर्ग, 25 25 में 625 होता है यल बराबर। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, कुल मिला के यल का मान भी नहीं मिल गया है। अब हमको चाहिए किरचाप, क्या लिखा है किरमिच, सॉरी किरचाप का नियम याद आ रहा है, क्या बताएं क्या क्या याद आता है। तो किरमिच का क्षेत्रफल चाहिए जो कि होता है वक्र पृष्ठ के बराबर, वही होता है वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई आर यल। पाई का मान 22/7 रख दो अपना, ये आर का मान अभी अपना मिल गया था 7, गुणते यल का मान रख दो कितना मिला था 25 मिला था, 7 से 7 काट दो, 25 2 50 का 0 हाँ से लगे 5, 25 2 50 5 55, ये हो गया मीटर स्क्वायर, यही हो गया अपना आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी बात खत्म करते हैं चौथे में, आप साइंस साइंस बार बार चिल्लाते थे, तो भाई साइंस थोड़ी सी कम आ रही है मुझे, सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलना, इस वजह से उसकी वीडियो बनाने में थोड़ा डर लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है खोजने बेचने में, और मैथ रटी रटाई है बता दे चले जाते हैं, साल भर पढ़ाए हैं तो कह नहीं आएगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे थोड़ी थोड़ी बातें, और आपको 2018 वाला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये बताइए मुझे कमेंट करके, पढ़ना हो तो मैं पढ़ाऊँ आगे, नहीं तो बंद करूँ इसको, क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चन बैंक के भी मॉडल पेपर पड़े हैं, तो मॉडल पेपर पढ़ाना है, तो कमेंट करके बताइएगा, अगर एक भी यस आता है तो हम आगे पढ़ाएंगे इसको ख़त्म करेंगे, अगर नो आता है कोई जवाब नहीं देते हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो ओके बात ख़त्म करते हैं, वैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको दिखाई देते हैं बता देते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है पाँचवें कक का, ये हम अगली वीडियो में बताना चाहेंगे, वैसे ये महत्वपूर्ण है, अगर आप यस करते हो तो हम इसको बताएंगे, नहीं करते हो तो नहीं बताएंगे। ओके तो बात ख़त्म, बाय।